नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं बैंगन टमाटर आलू की बहुत ही शानदार नई तरीके की रेसिपी है दोस्तों। जिस तरह आपको स्क्रीन पर दिख रही इसी तरह के बहुत ही शानदार और टेस्टी सब्जी बनेगी। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। हमने ले लिया 250 ग्राम बैंगन और उसको लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है और एक मिला लिया है उसमें आलू और धो के हमने इनको रख लिया है। दोस्तों अब हम एक कढ़ाई में लेंगे लगभग 50 से 60 ग्राम कुकिंग ऑयल लेंगे। कुकिंग ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, मूंगफली का ले सकते हैं, सरसों का या सोयाबीन, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, या आप बटर भी ले सकते हैं। और हम इसमें बैंगन और आलू के कटे हुए टुकड़ों को इसमें डाल देंगे और हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि ये कौन सा तरीका है। जी हाँ, इस रेसिपी को बनाने का यही तरीका है। आप इसको अच्छे से भूनते रहें। देखिए ये जलना नहीं चाहिए और ना कढ़ाई में चिपकना चाहिए, इसलिए इसको फ्लेम थोड़ी चाहे तो आप लो या मीडियम पे रख लीजिए ताकि ये अच्छे से भुन जाए। लगभग ये आधा भुन चुका है और इसके नीचे अंदर बीचों बीच में तेल है। थोड़े इनको चम्मच से दूर कर दीजिए और इसमें आप मिला दीजिए लहसुन, अदरक और जो हमने प्याज और हरी मिर्च काट के रखी है वो भी हमने इनको लंबे लंबे टुकड़ों में ही काट के रखा है, उसको मिक्स कर दीजिए। और इनको भी इस बैंगन और आलू के साथ में अच्छे से तल लीजिए दोस्तों। और इनको तब तक तलते रहें कि जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से पक गए हैं, ये लगभग 75% तो पक ही चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने राई और जीरे का तड़का नहीं लगाया है। ये देखिए बीच में आपको तेल नज़र आ रहा होगा, आप इसमें राई और जीरा डाल दीजिए। हमने पहले इसलिए नहीं डाला था, यदि हम पहले डाल लेते तो जल जाते, इसलिए हमने पहले राई जीरा इसमें नहीं डाला था। दोस्तों आप अच्छे से इसको मीडियम फ्लेम पे पकाते रहें, सभी सब्जी आलू बैंगन अच्छे से पक जाए तब तक इसे चलाते रहें। लगभग 75% पक जाए तब आप इसमें डालें टमाटर जो हमने पहले से काट के रख लिए थे। इसमें 2 टमाटर हमने काटे हैं लंबे लंबे टुकड़ों में और इन्हें अच्छे से मिला दीजिए और इसी तरह से चम्मच की सहायता से कढ़ाई में चलाते रहें और इन्हें अच्छे से पका लीजिए। दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे मसाले। हमने ये 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच के करीब हम इसमें धनिया पाउडर भी डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और फिर हम डाल देंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा जैसा भी आपको लगता है उसके हिसाब से आप नमक का इस्तेमाल करें। और दोस्तों ये सब्जी को ऐसे ही चलाते रहें और नीचे से जलना नहीं चाहिए, इसलिए फ्लेम को हमेशा लो रखें, नहीं तो सब्जी का कलर ख़राब हो जाएगा अगर मसाले जल जाएंगे तो। अब दोस्तों ये है हमारी बहुत ही शानदार और टेस्टी सब्जी, लगभग तैयार होने की स्थिति में आ गई है। दोस्तों ये रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की दोस्तों, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है दोस्तों। इसे आप 3 से 4 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि अच्छे से पक जाए और हमने इसे ढक दिए। अब 2-3 मिनट 4 मिनट हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए शानदार सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई, बहुत ही आसानी से बनती है दोस्तों, बहुत ही सरल रेसिपी है। आपको कोई ज़्यादा मगजमारी करने की इसमें आवश्यकता नहीं है और आसानी से बन जाती है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी धनिया और ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है दोस्तों। आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे चैनल को आप देख रहे हो तो हम आप रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे इस तरह के वीडियो आपके तक पहुंचते रहे। दोस्तों सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं बल्कि हमारा थोड़ा हौसला बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों अब हम इस सब्जी को प्लेट में हम निकालते हैं और यही हमने शुरू में भी आपको बताया था कि किस तरीके से हमारी सब्जी बनी है, यही हमने आपको दिखाया भी था, कोई अलग से कोई पिक्चर हमने इसमें नहीं लगाई।
चलिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।